सवाल एक, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था। क्या था? वह एक देशभक्त था, इसीलिए उसको कैप्टन कहा जाता है। और उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। उसको नेताजी का चेहरा बिना चश्मा अच्छा नहीं लगता था। नेताजी का बिना चश्मा का चेहरा उनको अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का सम्मान करता था। वह सेनानी नहीं था पर भी उन्हें लोग कैप्टन कहते थे। लोग ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। और एक बार देखिए, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था और उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनको नेताजी का चेहरा बिना चश्मा का कतई अच्छा नहीं लगता था, अतः उस पर उन्होंने चश्मा लगा देता था उनकी आंखों, क्योंकि वह स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी सेनापति लोग थे, सेनानियों लोग थे, उन सभी का सम्मान करता था। सिपाही लोग जो भी थे उन सभी का सम्मान करता था। जहाँ पर वह रहता था वहाँ नेताजी का मूर्ति लगा था, इसलिए वह उनका सम्मान करने की दृष्टि से उनकी आँखों पर चश्मा लगाया करता था। वह सेनानी नहीं था पर भी लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। लोग ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। क्या कहते थे? लोग उनकी मजाक उड़ाने की दृष्टि से इस तरह का बात कहते थे। सवाल नंबर दो, हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर, हलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वह मन ही मन सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य होगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा होगा। क्यों मायूस हो रहे थे? हलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो रहे थे क्योंकि वह मन ही मन सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र का तो मूर्ति होगा, अवश्य होगा, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा होगा। इस तरह से सोच के वह मायूस हो रहे थे क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चश्मा पहनाने वाला देशभक्त कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहे, यानी वह अब मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। इस तरह से उनके मन में विचार आ रहे थे, इसलिए वे मायूस हो गए थे। अगला सवाल, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जताता है? उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जताता है कि अभी भी लोग स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं। लोगों के अंदर आज भी देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। आने वाले भावी पीढ़ी भी इस प्रकार की भावना को करे ताकि उसे देखकर बच्चों के अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो सके, यानी जाग सके। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जता रहा था कि अभी भी
लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का सम्मान करते हैं। ऐसा इस क्यों कहा गया? क्योंकि जो कैप्टन था वह इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी कोई आदमी उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। इससे यह साबित होता है कि जिस तरह से कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना थी, उसी टाइप से अन्य लोगों के बीच भी देशभक्ति की भावना है। इसीलिए जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिए थे और शहीद हो गए थे, उनका सम्मान करने के लिए उन्होंने सरकंडे का चश्मा उनके आँखों पर लगा दिया था। इसीलिए कहा गया है कि आज भी देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, आने वाले पीढ़ी भी इस प्रकार की भावना को करते रहे, ताकि उसे देखकर बच्चों के अंदर भी देशप्रेमी की भावना जागृत हो सके। ग, हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, जब हलदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हलदार साहब भावुक हो उठे। कब भावुक हो उठे? हलदार साहब के मन में तो ऐसा विचार चल रहा था कि अब कैप्टन मर गया तो अब चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हलदार साहब भावुक हो उठे। क्योंकि हलदार साहब यह कभी नहीं सोचा था कि नेताजी के आंखों में चश्मा लगा होगा। नेताजी की आंखों पर चश्मा देखकर उनके मन की निराशा आशा के किरण के रूप में बदल गई, परिवर्तित हो गई और उनके हृदय खुशी से भर गया और उनके आंखों में आंसू बहने लगा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि आज भी हमारे देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना है। वो सोच रहा था कि जिस तरह से कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना है, उस तरह की देशभक्ति की भावना और किसी में नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने भी नेताजी की आंखों में चश्मा लगाया था, उनसे साबित हो गया हलदार साहब को कि आज भी देशभक्ति की भावना है। सवाल 3, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? इसका आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने के लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका आशय स्पष्ट करना है। क्या है? बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि जो कौम अपने बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानती, उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इस कथन का आशय यह है कि जो कौम अपने बलिदानियों का यानी देश के लिए मर मिटने वालों का सम्मान नहीं करना जानती, उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य क्या होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाता है जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं और अपने देश के लिए मर मिटते हैं। जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी देखा जाए तो वो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करने के बाद अपने देश के लिए निछावर हो जाता है, उन पर भी आज लोग हंसते हैं। तो लेखक उन्हीं को कहता है कि जो लोग बलिदान करने वालों पर सम्मान नहीं करते हैं या सम्मान करना नहीं जानते हैं, उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य क्या होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाता जो अपने देश के खातिर
घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं और अपने देश के लिए मर मिटते हैं। आज कुछ लोग देश की सेवा करने वालों पर मजाक उड़ाते हैं या सम्मान नहीं करते हैं। लोग आज अपनी स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं। लोग अपनी स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं अपने स्वार्थ और लालच के लिए। तो कुछ लोग बोलने का मौका भी तलाशते हैं। इस तरह के भावना को मिलाकर हम सभी का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के जो भी लोग देश के लिए त्याग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उन सभी को हमको सम्मान देना चाहिए और देश का सेवा करने वालों सैनिकों का आदर एवं अपने देश के प्रति प्रेम और देश की भक्ति की भावना को हमेशा बनाए रखना चाहिए। सवाल नंबर 4, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला साक्षात अपने आप में एक पान का भंडार था। ऐसा इसलिए इनको कहा गया कि हर समय वह अपने मुंह में पान ठूसा हुआ रहता था, यानी पान उनके मुंह में कभी नहीं घटता था। कहने का मतलब, पान वाला साक्षात अपने आप पान का भंडार था। उनकी दुकान पर ही नहीं पर हमेशा उसके मुंह पर भी पान ठूसा रहता था। दुकान पर तो पान रहता ही था परंतु उनके मुंह पर भी पान ठूसा हुआ रहता था, जिसके कारण लोगों से बात भी बहुत कम करता था। हर समय पान मुंह में ठूसा हुआ रहता था जिसके कारण जो ग्राहक आता था उनसे बात भी बहुत कम करता था। पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे, यानी टकला था, उसका बाल भी उड़ गया था। काला था, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था? काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसका तोंद यानी पेट निकला रहता था। जब वह हंसने लगता था तो उसकी तोंद थिरकने लगता था, यानी पेट हिलने लगता था। और एक बार देखते हैं, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करें, यानी पान वाले के बारे में जानकारी देना है। पान वाला साक्षात अपने आप पान का भंडार था। साक्षात अपने आप पान का एक भंडार था। उनकी दुकान पर ही नहीं पर हमेशा उसके मुंह पर भी पान ठूसा रहता था। क्या करता था? पान ठूसा रहता था, जिसके कारण लोगों से बात भी वह कम करता था। पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। उनके सिर पर गिने चुने ही बाल बचे थे, यानी सभी बाल उड़ चुके थे, टकला हो चुके थे। और वह काला था, मोटा था और खुश मिजाज आदमी था। उनका तोंद हमेशा निकला रहता था, यानी पेट बहुत बड़ा था शायद, इसलिए उनका पेट यानी तोंद निकला हुआ था। जब वह हंसता था या हंसने लगता था तो उनकी तोंद थिरकने लगता था, हिलने लगता था। सवाल नंबर 5, ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में है। इसके बारे में, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में है। और कौन टिप्पणी किया था इस तरह से? वो पान वाला। जब हल्दार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार तरीका से उनका जवाब दिया, कहने का मतलब, और बोला
कि वो लंगड़ा का क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। इस तरह से दुर्व्यवहार किया पान वाला उस चश्मे वाले का, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से असमर्थ था, इसलिए वह सेना में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह किसी स्वतंत्र सेनानी से कम नहीं था। वह अपने कर्मों से जो देश प्रेम प्रकट करता था, इस प्रकार की सारी बात पान वाले को पता था, फिर भी पान वाला उसे पागल कहता था। वह शारीरिक रूप से असमर्थ था, इसलिए वह देश की सेवा नहीं कर सकता था, लेकिन वह जिस तरह से काम कर रहा था, उस काम से पता चलता था कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह किसी स्वतंत्र सेनानी से कम नहीं था। वह अपने कर्मों से जो देश प्रेम प्रकट करता था, वह एक साधारण आदमी से बहुत ऊंचा था। इस प्रकार की सारी बात पान वाले को पता था, फिर भी वह उसे पागल कहता था। पान वाला क्या कहता था? पागल कहता था। ऐसी कहना, इस तरह की बात कहना पान वाले को कतई शोभा नहीं दे रहा था। इस प्रकार की बात कहना उसकी सार्थक की भावना को दर्शाता है, यानी स्वार्थ की भावना को दर्शाता है, जो अच्छा नहीं था। पान वाला को उनकी देशभक्ति पर मजाक इस तरह से नहीं उड़ाना चाहिए था इस तरह की मजाक। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? क, हल्दार साहब हमेशा चौराहे पर रुके और नेताओं को निहारते। हल्दार साहब हमेशा चौराहे पर रुके और नेताओं को निहारते। जब भी उस चौराहा से गुजरता नेता साहब या हल्दार साहब, चौराहे पर लगी नेताओं की मूर्ति को निहारते। इस तरह से क्यों करते हैं? हल्दार साहब का हमेशा उस चौराहे पर रुकना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखना, निहारना, यह दर्शाता है कि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी। उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी। हल्दार साहब का हमेशा उस चौराहे पर रुकना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ओर निहारना, यह दर्शाता था कि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी और वह हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने वाले सैनिकों को दिल से सम्मान करते हैं। कौन? हल्दार साहब। कैप्टन द्वारा नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से उनकी देशभक्ति को देखकर बहुत खुश होते थे। जिस तरह से नेताजी की आँखों में चश्मा लगाकर एक चश्मे वाला आदमी, जो शारीरिक रूप से असमर्थ था, वो अपनी देशभक्ति दर्शाते थे, उसको देखकर हल्दार साहब भी बहुत खुश होते थे। उनके मन में भी कैप्टन के देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, क्योंकि वह वास्तव में शारीरिक रूप से असमर्थ था, इसलिए वह कभी सेना में भर्ती नहीं हो सके, लेकिन वह अलग तरीका से देश प्रेम करता कि लड़ाइयों में, आंदोलनों में भाग लेने वाले जो शहीद हुए थे, उनका सम्मान करके वह देशभक्ति की भावना दर्शाते थे। ख, पान वाला उदास हो गया। पान वाला क्या हो गया? उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर
झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पानवाला उदास था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिर के कोने से धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जब हलदार साहब कैप्टन के बारे में पूछा, किससे पूछा, पान वाले से पूछा, जब हलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाला उदास हो गया, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। जब हलदार साहब कैप्टन के बारे में पूछा तो पान वाला उदास हो गया, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु पर पान वाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता था कि पान वाले के हृदय में भी कैप्टन के प्रति अपनापन की भावना थी। भले वो कभी कभी मजाक उड़ा देते थे, लेकिन उनके प्रति भी, कैप्टन के प्रति भी पान वाला का अपनापन का भावना, पान वाले मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, यानी पान वाले के मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के प्रति श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर पान वाला दुखी हो गया था। इस घटना से पान वाले की दया और देश प्रेम की भावना का पता आसानी से चलता है। यानी कि बस देशभक्ति की भावना कैप्टन कर रहा था, इसलिए उसके प्रति मजाक उड़ा रहा था, वो नहीं, पान वाला भी देशभक्ति के प्रति अपनापन का भावना रखते थे और उनकी देशभक्ति पर वो भी अपनी श्रद्धा रखते थे। जिस तरह से कैप्टन के मर जाने पर भी पान वाला दुखी हो गया, और इस बात से पता चलता है कि पान वाला के प्रति भी देश प्रेम की भावना थी और कैप्टन को वह अपने आप की तरह, यानी अपने अपनापन की तरह देखते थे। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता था कि वह देश के लिए त्याग करने वाले व्यक्तियों एवं स्वतंत्र आंदोलन यानी स्वतंत्र सेनानियों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। यह दर्शाता था कि वह देश प्रेम करने वाले व्यक्तियों या देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले सेनानियों के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करता था। कैप्टन के हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वह बार बार नेताजी के प्रतिमा पर चश्मा लगा देता था। ग्राहक जब वही वाली चश्मा पसंद करता तो वह चश्मा नेताजी को क्षमा मांगकर उतार लेता, फिर ग्राहक को बेच देता। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। क्यों लगाता था? देखिए, कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले व्यक्तियों एवं स्वतंत्र सेनानियों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। कैप्टन के हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, इसलिए वह बार बार नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगा देता, और जब ग्राहक को वही चश्मा पसंद आता था तो नेताजी से क्षमा मांग के उस चश्मा को उतार लेता, फिर ग्राहक को बेच देता था। इससे सीध होता है कि उनके प्रति कितना श्रद्धा भावना थी, यानी देश के प्रति सेवा करने वालों के प्रति उनकी भावना कैसी थी। सवाल नंबर 7, जब तक हलदार साहब
ने हलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र चल रहा होगा अपनी कल्पना से लिखे। जब तक हलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर कौन सा चित्र चल रहा होगा अपनी कल्पना से लिखें। हलदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की चरित्र और उनके कद काठी पर अनुमान लगाते हुए सोचता है कि वह एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाला रौबदार आदमी यानी रौबदार व्यक्ति की तरह होगा। कैप्टन को किस तरह से आंका जा रहा था जब तक हलदार साहब उसको नहीं देखे थे, तो उससे पहले उसके मन में कैसा विचार हो रहा था कि हलदार साहब कैसा है, किस टाइप का है, कैसा आदमी है, तो हलदार साहब किस टाइप का सोचते थे उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हलदार साहब ने जब कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की चरित्र और उनके कद काठी पर अनुमान लगाते हुए यह सोचते थे कि वह एक भारी भरकम और मजबूत शरीर वाला रौबदार आदमी होगा। हलदार साहब कैप्टन शब्द सुनकर हलदार साहब को लगता था कि वह फौज में होने के कारण उसका शरीर गठीला और मजबूत बदन जैसा होगा। जब हलदार साहब नहीं सुना था और उनका नाम कैप्टन के नाम से लोग जानते थे, तो उसको लग रहा था कि उसका शरीर गठीला और मजबूत बदन जैसा होगा, फौजी वेशभूषा में रहता होगा, उनकी बड़ी बड़ी मूछें होगी और आवाज़ भी तेज होगी। इस तरह से हलदार साहब सोचते थे। हलदार साहब क्या सोचते थे कि वह उसका शरीर भारी भरकम मजबूत और बड़ा रौबदार व्यक्ति की तरह होगा। कैप्टन सब सुन के हलदार साहब को लगता था कि वह फौज से संबंध रखता होगा और उनका शरीर गठीला कठोर मजबूत बदन वाला होगा, फौजी वेशभूषा में रहता होगा, उनकी बड़ी बड़ी मूछें होगी और आवाज़ भी तेज होगा। इस तरह से हलदार साहब सोचते थे, लेकिन जिस टाइप से सोचते थे वैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कैप्टन एक असहाय टाइप से आदमी थे, मतलब उसका शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं था, कोई काम ढंग से नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में देशभक्ति भावना कूट कूट के भरी हुई थी। सवाल नंबर 8, कस्बों शहरों महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। सवाल 8, कस्बों शहरों महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने वाले का प्रचलन सा हो गया। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? शहर कस्बे चौराहे आदि में मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं क्या हो सकते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की याद हमारे मन में बनी रहे। क्यों लगाते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की यादें हमारे मन में बने रहे, हमें यह याद रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज की भलाई के लिए किस तरह से महान कार्य किए थे, उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमें भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होना है, जिसे समाज व राष्ट्र का भला हो। इसलिए हर भीड़ भाड़ वाले चौक चौराहे पर इस तरह की मूर्ति लगाई जाती है। तो इस तरह की मूर्ति क्यों लगाई जाती है उसके बारे में आप शायद समझ गए। एक बार फिर से देखिए, इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि उस महान व्यक्ति को याद
उस महान व्यक्ति की याद हमारे मन में हमेशा बने रहा, हमेशा बने रहे। दूसरा कारण, हमें यह याद रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज की भलाई के लिए किस तरह से महान कार्य किए थे। दूसरा टॉपिक है, उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। इसलिए हर भीड़ भाड़ वाले चौक चौराहे पर इस तरह की मूर्ति या प्रतिमा लगाई जाती है। ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस प्रकार की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों चाहेंगे? चलिए उत्तर देते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र के जो महान व्यक्ति हैं उनका आप सोच सकते हैं, लेकिन हम अपने इलाके में के चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि आज जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बुराई आसमान छूने लगा है, जिस प्रकार बुराइयां आसमान छूने लगा है दिन प्रतिदिन लग रही है, बुराइयां मतलब आसमान छूने लग रही है, स्वामी विवेकानंद सभी तरह की बुराइयों जैसे लोभ, लालच, ऊंच नीच, धोखा, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, हिंसा, झूठ, भ्रष्टाचार आदि के विषय में लोगों को पहले ही समझाते आए हैं। जिस तरह से आज के युग में दिन प्रतिदिन बुराइयों का आसमान छूता चला जा रहा है, यानी आसमान को छूते जा रहा है आज के जमाने में बुराइयां, उस हिसाब से हम स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सभी तरह के बुराइयों जैसे लोभ, लालच, ऊंच नीच, धोखा, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, हिंसा, झूठ, भ्रष्टाचार आदि के प्रति पहले से ही लोगों को समझाते आए हैं, इसीलिए इनका ही मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर इस प्रकार का बुराई ना पनपे, बल्कि स्वामी विवेकानंद की भांति हर आदमी के प्रति प्रेम, समान, सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होगी। इससे हर स्थानीय समाज व देश का वातावरण स्वच्छ एवं अच्छा बनेगा। स्वामी विवेकानंद की अच्छे गुणों को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे लोग, इसीलिए हम चाहेंगे अपने क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद का मूर्ति लगे। और क्यों लगे, उसका कारण आप देख ही लिए हैं कि जिस तरह से आज के ज़माने में बुराइयां आसमान छूते जा रहा है, लेकिन पहले से स्वामी विवेकानंद इस तरह के बुराइयों से लोगों को सचेत करते आए हैं, जिसके कारण यदि उनका मूर्ति अगर लग जाए किसी चौक चौराहे पर, तो उनके जीवनी के बारे पढ़ने के बाद या उनको देखने के बाद उनके अंदर उस तरह की भावना जागृत नहीं होगी, और उनके अंदर भी प्रेम, समान, सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होगी। इससे हर स्थानीय समाज व देश का वातावरण स्वच्छ अच्छा बनेगा। स्वामी विवेकानंद की अच्छे गुणों को अपने दैनिक जीवन में वहां के लोग उतारेंगे। ग, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? जो चौक चौराहे पर जो मूर्ति लगेगी, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों की क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर, उस मूर्ति के प्रति हमारे एवं दूसरे लोगों एवं उत्तरदायित्व दूसरे लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मूर्ति की समान एवं गरिमा का ध्यान रखे,
उस मूर्ति के प्रति हमारे एवं दूसरे लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मूर्ति किस को समान और गरिमा की हमें रक्षा करना है, उसका ध्यान देना है। हम कभी भी उस मूर्ति का अपमान व अनादर नहीं करेंगे और न ही उसे क्षति पहुंचाने और न ही दूसरों को ऐसा करने की सलाह देंगे। हम उस मूर्ति के प्रति हमेशा श्रद्धा प्रकट करेंगे एवं उस महापुरुष के आदर्शों को स्वयं पर भी अपनाएं और दूसरे लोगों को भी उनकी राहों पर चलने के लिए उत्साहित करूंगा। इस तरह से करना है। उस मूर्ति के प्रति हमारे एवं दूसरे लोगों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो जो चौक चौराहे पर लगेगा उस मूर्ति के प्रति हमारे और दूसरे लोगों का यही दायित्व होना चाहिए कि मूर्ति की सामान और गरिमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें कभी भी उस मूर्ति को अपमान और अनादर नहीं करना चाहिए और न ही उसे क्षति पहुंचाना चाहिए और न दूसरों को ऐसा करने के लिए सलाह देना चाहिए। हम उस मूर्ति के प्रति हमेशा श्रद्धा प्रकट करते रहें तथा उन महापुरुषों के आदर्शों को स्वयं के अंदर अपनाएं और दूसरों को भी अपनाने की सलाह दें। सवाल नंबर 10। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानस हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उनको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मानक हिंदी रूपांतरण। कैप्टन के पास अगर कोई ग्राहक आ जाता था और उसे नेताजी के आँखों पर लगा चौड़ा चौखट फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह किधर से लाएगा? इसलिए वह नेताजी की आँखों पर से चश्मा उतारता, उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता, फिर उससे मूर्ति का चौखट दे देता। इस प्रकार वह चश्मा सेल करता था। इस प्रकार से करता था। कैप्टन के पास तो कोई भी अगर ग्राहक आता था और जो मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वही चश्मा पसंद आ जाता था, तो कैप्टन क्या करता था? मूर्ति से चश्मा को उतारता, वो भी उतारता, क्षमा मांग के उतारता था, उसके बाद उस चश्मा को देता, फिर ग्राहक को देता यानी सेल कर देता, फिर दूसरा चश्मा और मूर्ति पर लगा देता था। इस तरह से करके वो चश्मा सेल करता था। सवाल नंबर 11। भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। सवाल है, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप और अधिक आकर्षक हो जाती है, भाषा को प्रयोग करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। सवाल नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाती और उसके नए वाक्य बनाइए। निम्नलिखित वाक्य से निपात छाती और उसके उनके नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कह है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। क्या करती थी? कुछ न कुछ करती रहती थी। कुछ न कुछ
रूही हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अक्सर देने का निर्णय किया गया, किसी स्थानीय कलाकार को ही अक्सर देने का अवसर देने का निर्णय किया गया। उत्तर को ही स्थानीय कलाकार को ही, क्या मतलब, गोपाल को ही हमेशा कुछ मिलते हैं, गोपाल को ही हमेशा कुछ मिलते हैं। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो था बाजार में कोई दुकान तो थी नहीं, बाजार में कोई दुकान तो थी नहीं। घ, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, क्या समझ नहीं पाए, हलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। अब भी, तुम अब भी शहर नहीं गए, तुम अब भी शहर नहीं गए हो। अंगा, दो साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। दो साल तक हलदार साहब ने उस कस्बे से होकर अपने काम के सिलसिले से गुजरते रहते थे रहे में उसके मन में आपके लिए प्यार है। जैसे यहाँ पर जो शब्द निकल के आ रहा है, मैं, अब भी, तो था, को ही, इससे रिलेटेड वाक्य बनाना है। तो देखिए, आप देख लिए कि किस तरह से का वाक्य बना हुआ है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फीट कर देता, यानी पहना देता। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से, यानी चश्मा के फ्रेमों में से नेताजी की आंखों पर एक चश्मा को फिट कर देता। उत्तर है, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता। एक कर्मवाच्य में हो गया, दिया जाता है, दिया जाता, जब भी लिखा जाएगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, दिया जाता। ख, पान वाला नया पान खा रहा था, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पान वाला नया पान खा रहा था, तो ये हो जाएगा पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, तो एक कर्मवाच्य में बदल जाएगा। उसी टाइप से दूसरा, पान वाले ने साफ बता दिया था, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, दिया गया था, साफ बता दिया गया था, साफ बता दिया गया था। घ, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। अंगा, नेताओं ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताओं ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अब इसको बदलते हैं, नेताओं द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, त्याग दिया गया, यहाँ पर कर्मवाच्य में बदल गए, त्याग दिया गया, त्याग दिया गया। हलदार साहब ने चश्मे वाले की देश भक्ति का सम्मान किया, इसको हमको कर्मवाच्य बदलना है। तो हलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया, किया गया, किया था वहाँ पर, यहाँ किया गया होगा, किया गया, किया गया, ये बदल गया सब कर्मवाच्य में। सवाल नंबर 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। माँ बैठ नहीं सकती। उत्तर होगा, माँ से बैठा नहीं जाता, तो भाववाच्य हो गया। ख, मैं देख नहीं सकती,
तो इसका होगा मुझसे देखा नहीं जाता। ग, चलो अब सोते हैं। इसका होगा चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती। उत्तर, माँ से रोया भी नहीं जाता।